नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बूंदी जिले के देई कस्बे में सीएम अशोक गहलोत के द्वारा बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा देई द्वारा खुशी मनाई। शिक्षकों ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। शाखा मंत्री हेमराज नागर ने बताया कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर उपशाखा देई द्वारा रक्तदान शिविर, अर्धनग्न प्रदर्शन, अनशन धरने, ज्ञापन देने व सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से अपनी मांग रखी, जिस पर राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लागू कर कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। इस दौरान शाखा अध्यक्ष बद्रीलाल मीना, छोटूलाल शर्मा, रेसला ब्लॉक नैनवा अध्यक्ष मुकुट बिहारी, जिंदर रामस्वरूप मीना, रमेश कुमार मीना, संजय वर्मा, रमेश खिंची, पवन गुप्ता, आलोक जैन, राजेंद्र सैनी सहित कई शिक्षक शामिल रहे। आज परमहर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक जी गहलोत ने हमारी बहुप्रतीक्षित मांग जो 2004 से हमारे बीच में एक नासूर बनकर चारों तरफ व्याप्त हो चुकी थी, हम सभी संगठनों की सभी कर्मचारियों की ये मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एक जनहित का और मैं यूँ कहूँ कि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बिना किसी पूर्व तैयारी के, बिना किसी बवंडर के, बिना किसी पूर्व प्रचार के अचानक घोषणा करके और हम सबको इतनी ज़्यादा खुशी दी है जो शायद हमें किसी भी स्थिति में राज्य सेवा में रहते हुए प्राप्त नहीं हो सकती थी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी तरफ से बधाई के पात्र हैं, हम सब उनके आभारी हैं। यद्यपि हमारे संरक्षक हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे अभिभावक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक संवेदनशील मुद्दे पर बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ और बहुत ही राम दिली के साथ इस ओपीएस की वापस घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही पुरानी पेंशन हमारे बीच में लागू होगी और हम सब एक प्रताड़ित कर्मचारी की श्रेणी से निकल करके और एक संरक्षित, सुरक्षित और सामाजिक जीवन जीने की श्रेणी में आएंगे, ऐसा मैं पूर्ण उम्मीद करता हूं। आज एक छोटा सा हमारी उनके प्रति कृतज्ञता थी, हमने थोड़ा सा उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। निश्चित रूप से जब भी हमारे बड़े कार्यक्रम होंगे, प्रदेश के अधिवेशन होंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनकी टीम का सभी संगठनों को स्वागत करना चाहिए और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र की तरफ से तो हम कहते हैं कि जो भी कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री अथवा उनका प्रतिनिधि निश्चित रूप से उसमें इस मुद्दे के लिए सम्मानित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज, बूंदी।